नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सोनभद्र में संयुक्त जिला चिकित्सालय में अपने रिश्तेदार का इलाज कराने पहुंचे दंपति की डॉक्टर व स्टाफ के द्वारा जमकर पिटाई कर दी गई और मरीज का पर्ची व रिपोर्ट भी फाड़ दिया। दरअसल इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि जब वह डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने जांच के लिए 19 नंबर कमरे में भेजा और वहां से पुनः डॉक्टर के कमरे में भेजा गया। इस तरह मरीज 2-3 बार चक्कर लगा रहा था और डॉक्टर से पूछा कि हम लोग बेवकूफ हैं, जो बार बार यहां से वहां हमें दौड़ाई जा रहा है। जिसके बाद डॉक्टर स्टाफ के द्वारा मरीज के साथ दंपति की जमकर पिटाई कर दी गई। इस मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने मरीज को ही दोषी बताया, डॉक्टर को अच्छे स्वभाव को बताते हुए अचानक हुई घटना बताया। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने इस मामले में जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। इसी के साथ ही साहिल खान, उसकी पत्नी रेहाना का कहना है कि उनके रिश्तेदार का इलाज कराने के लिए ENT सर्जन डॉक्टर अनुराग वर्मा के यहां जिला अस्पताल में आए थे, जहां डॉक्टर व स्टाफ के द्वारा बार बार दौड़ाए जाने पर मरीज के परिजन दंपति के द्वारा यह पूछा गया कि बेवकूफ बनाकर क्योंकि बार बार दौड़ाया जा रहा है, तो उस पर उनकी मारपीट कर दी गई। इसी के साथ इस मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल डॉक्टर के कुमार से बात की गई है तो उन्होंने बताया कि पीड़ित को ही दोषी बताया है, जिन्होंने मार खाई है कि मरीज के द्वारा ही डॉक्टर के ऊपर पहले हाथ छोड़ा गया, इसके बाद डॉक्टर व अन्य लोगों के द्वारा मरीज के साथ हाथापाई हुई और यह घटना अचानक हुई। साथ ही यह भी बताया कि डॉक्टर व्यवहारिक रूप से अच्छे हैं और यह अचानक घटना हुई। हालांकि इस मामले में उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आपका नाम सर कमालुद्दीन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? साल क्या पूरा मामला था जी? पूरा मामला, हम आए थे अपने फूफा को दवा कराने, तो बोले कि दवा हवा लेकर चले आए, उसके बाद बोले कि 14 नंबर में जाइए। 14 नंबर में से आए तो बोले कि फिर 19 नंबर में जाए। 19 नंबर में गए तो बोले कि आप बार बार आ रहे हैं, वो इसमें भेज रहे हैं, वो इसमें भेज रहे हैं। उसके बाद उसी पर मारने लगे हम लोग, और सारे डॉक्टर हॉस्पिटल के लपट कर मारे हैं हमको। पोता में भी हमारे मारे हैं सर 1 लाख। इस जहाँ पर हम खड़े हैं पूरे डॉक्टर कुछ वीडियो वहाँ बनाए हैं भाई सर, हमारे पास तो मोबाइल नहीं है। हम लोग अपने लोग इतने लोग आइए हैं, तू वाला वीडियो नहीं पाके नहीं मामला था सर। हम दोनों आदमी गए थे अंदर। कहाँ गई थी? कहाँ की रहने वाली है आप? किसको मारे हैं? हमको भी, इनको भी, जो जितनी औरत है सबको भी चोट लगा है छुड़ाने में। हमारे पास बस यही साथ में आए हैं हमारे आदमी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं सर कि ऐसा ही होता है हॉस्पिटल में कि हम लोग गरीब हैं, आए हैं गरीब ही जान के ना इसमें आते, अगर पैसा होता तो प्राइवेट में दवा नहीं कराते, तो ये लोग, हम लोग गरीब जान के आए हैं यहाँ पे दवा कराने, तो ये लोग मारेंगे सर। जिला हॉस्पिटल में मारपीट का एक वीडियो सर वायरल हुआ है सर, तो मतलब क्या है सर पूरा मामला, कार्रवाई? इस बारे में मैंने मरीज से भी बात किया और डॉक्टर अनुराग जो ENT सर्जन है उनसे भी बात किया, और मरीज ने तो आरोप लगाया कि डॉक्टर साहब ने हाथापाई की, लेकिन डॉक्टर साहब से भी जो जानकारी सही थी, उसमें डॉक्टर साहब ने 2-3 बार देखा और ब्लड प्रेशर शुगर नपवाने के लिए भेजा, और ब्लड प्रेशर और LCD में जाकर वो अपना चेकअप करा कर आया, और इसके बाद उसने जो है फिर अब शब्दों का इस्तेमाल किया। डॉक्टर साहब ने उसे कहा कि भाई बाहर जाओ, उसने हाथ पहले छोड़ दिया, डॉक्टर साहब के ऊपर हमला किया, तो डॉक्टर साहब ने भी जो कुछ हल्का फुल्का हाथापाई हुई है तो वो आकस्मिक रूप से हो गई है, और डॉक्टर साहब का वैसे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि पेशेंट को इलाज के लिए आता है, हर डॉक्टर संवेदनशील होता है कि वो मरीज की पूरा भलाई करे, अच्छे से इलाज करे। डॉक्टर साहब भी स्वाभाविक रूप से ठीक हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, बाय द वे किसी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, इसमें
जुलूस निकालकर बंद का आह्वान किया गया है। जी हां, चौधरी महेंद्र सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों किसान जेवर ब्लॉक के सुबह से ही इकट्ठा होने शुरू हो गए। लगभग 12 बजे सैकड़ों की तादाद में किसान एकत्रित हो गए। जुलूस की तरह ब्लॉक जेवर से कोतवाली तरफ बड़े मुख्य चौराहे महेंद्र सिंह चारोली ने ज्वेली ऋषि की मूर्ति पूजा अर्चना करने व माला पहनाकर जुलूस पुरानी अनाज मंडी सब्जी मंडी मेन बाजार होते हुए दाऊची मंदिर टप्पल रोड तहसील से होते हुए ब्लॉक पर पहुंचे। जुलूस में चौधरी महेंद्र सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभोर शर्मा, युवा जिला अध्यक्ष दिनेश शर्मा, बोबी नागर, दया प्रधान, सोमेश मुखिया, सचिन जैन, प्रकाश फौजी, सदर मोहम्मद प्रमोद चारोली, विजेंद्र सिंह का निगड़ी, मुकेश तायल, मनीष शर्मा, सोनू मास्टर चारोली, छोटे अनीश चौधरी, ववन राजू मेहंदीपुर आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अच्छा, लेकिन आज जिस तरीके से आह्वान किया आपने, संदेश पहुंचाना चाहते थे? ये तो आंदोलन के हिस्सा है, हमारा किसान वहाँ बैठा है, बीच बीच में इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे तो आंदोलन के हिस्सा तरीका आंदोलन, समाज को मैसेज देना है, आम आदमी को मैसेज देना है कि हम वहाँ बैठे हैं, इतना बड़ा फंडा है, ये सारी चीज जानकारी करना करवाना, ये तो हमारा काम है, ये तो आंदोलन के हिस्सा है, तो चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। कृषि मंत्री जी जो है वो तो कह रहे हैं कि किसानों से एक मीटर की दूरी पर है और किसान जब चाहे अब उनसे बात कर सकता है, लेकिन अब बातचीत क्यों नहीं हो पा रही किसान सरकार के बीच में, या फिर वोटिंग जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, राज्य में चुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए बोलते हैं? नहीं, चुनाव में तो फिर अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें तो वो एक किलोमीटर भी ना पा रहा, एक मीटर भी ना पा रहा, कहां सरकार आवे, सही बात तो करे, हम बैठे हैं, हम तो सामने बैठे हैं, सरकार आवे कभी आवे कभी बात करे, कभी 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 कहते हैं कि कॉल की दूरी है, अरे वो अपना नंबर दे दे हमें, उस नंबर को दे दे जिस पे कॉल करेंगे, या हम कर लेंगे उसके पास, भाई उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है हमारा देश का, ज़्यादा कमी आ रही है, ज़्यादा मतलब कम टैक्स है अभी देश के ऊपर, क्योंकि 100 रुपया पेट्रोल कर दिया, 90 रुपया डीजल कर दिया, 850 सिलेंडर कर दिया, तो फिर भी उसके बाद भी उनके पास पैसा कम है, तो फिर कैसे किसान कर देगा, तो नंबर टू दे देंगे हम कर लेंगे। आप क्या कह रहे सर अभी? फिर आपने देखा होगा 28 तारीख को कितना बड़ा टेंडर हुआ, वहाँ गुंडे भेजे गए किसानों को मरवाने के लिए, पिटवाने के लिए गुंडे भेजे गए, परमात्मा की बात है सारी, जो परमात्मा ने हाथ बल दिया चौधरी साहब ने, चौधरी जाकर शिखर जी ने, और उन्होंने कह दिया मैं गोली खा लूंगा, गोली मार दो मुझे, अरे मेरे फांसी लगा दो, मैं फांसी खुद भी लगा लूंगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दूंगा, अपने किसानों को पिटने नहीं दूंगा, तो मेरे विश्वास है, मेरे दम पे जो किसान यहाँ आए मैं उनके साथ रहूंगा, तो सैलाब आया और किसान यहाँ बैठा था, आपको चल दिया, आपको तो नहीं लेकिन बुजुर्गों को पूरी तरह से ध्यान है कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को, तो भर्ती गर्राई थी, हमारे बुजुर्ग जानते हैं पहले ज्यादा सुविधा दूर भाग केंद्र की नहीं थी, तो जब भर्ती गर्राई तभी हमारे बुजुर्ग कहने लगे तो भगत सिंह को फांसी दे दी, भगत सिंह को फांसी दे दी, उसी तरह से आपने देखा होगा 28 तारीख की रात को परमात्मा रो रहा है, इतना बड़ा कौरा परमात्मा की आंखों में भी आंसू आए जब हिंदुस्तान का संविधान का पर्व केस पिटने लगा, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, पुलिस लाठी उठा सकती है, पुलिस गोली चला सकती है, लेकिन गुंडे और किसान पर गोली चलाए, गुंडे किसान पर लाठी उठाए, गुंडे गाली दें, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त के बाहर है, तो मेरे साथियों और भाइयों मेरे बुजुर्गो, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो परमात्मा का आपको साथ मिल रहा है और परमात्मा आपकी मदद कर रहा है, आपका साथ ही परमात्मा है, तो जीत लिया फिर आपने देखा होगा 28 तारीख को कितना बड़ा टेंडर हुआ, वहाँ गुंडे भेजे गए किसानों को मरवाने के लिए, पिटवाने के लिए गुंडे भेजे गए, परमात्मा की बात है सारी, जो परमात्मा ने हाथ बल दिया चौधरी साहब ने, चौधरी जाकर शिखर जी ने, और उन्होंने कह दिया मैं गोली खा लूंगा, गोली मार दो मुझे, अरे मेरे फांसी लगा दो, मैं फांसी खुद भी लगा लूंगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दूंगा, अपने किसानों को पिटने नहीं दूंगा, मेरे
मेरे दम पे जो किसान आए मैं उनके साथ रहूंगा। तो सैलाब आया और किसान यहां बैठा था, रात को फूल कर दिया। आपको तो नहीं लेकिन बुजुर्गों को पूरी तरह से ध्यान है कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को, तो भर्ती गर्राई थी। हमारे बुजुर्ग जानते हैं पहले ज्यादा सुविधा दूर भाग केंद्र की नहीं थी, तो जब भर्ती गर्राई तभी हमारे बुजुर्ग कहने लगे तो भगत सिंह को फांसी दे दी, भगत सिंह को फांसी दे दी। उसी तरह से आपने देखा होगा 28 तारीख की रात को परमात्मा रो रहा है, इतना बड़ा कौरा तभी निकला है, किसी जन तभी निकला। परमात्मा की आंखों में भी आंसू आए जब हिंदुस्तान का संविधान का पर्व केस पिटने लगा। पुलिस कार्रवाई कर सकती है, पुलिस लाठी उठा सकती है, पुलिस गोली चला सकती है, लेकिन गुंडे और किसान पर गोली चलाए, गुंडे किसान पर लाठी उठाए, गुंडे गाली दें, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो परमात्मा का आपको साथ मिल रहा है। अच्छा, लेकिन आज जो जिस तरीके से आह्वान किया आपने, इससे क्या संदेश पहुंचाना चाहते थे? ये तो आंदोलन के हिस्सा है, हमारा किसान वहाँ बैठा है, बीच बीच में इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे, तो आंदोलन के हिस्सा है। तरीका आंदोलन, समाज को मैसेज देना है, आम आदमी को मैसेज देना है कि हम वहाँ बैठे हैं, इतना बड़ा फंडा है, ये सारी चीज जानकारी करना, करवाना, ये तो हमारा काम है, ये तो आंदोलन के हिस्सा है, तो चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। कृषि मंत्री जी जो है वो तो कह रहे हैं कि किसानों से एक मीटर की दूरी पर है और किसान जब चाहे अब हमसे बात कर सकता है, लेकिन अब बातचीत क्यों नहीं हो पा रही किसान सरकार के बीच में, या फिर वोटिंग जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, राज्य में चुनाव हो रहे हैं, उसको देखते हुए बोलते हैं? नहीं, चुनाव में तो फिर अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें तो वो 1 किलोमीटर भी ना पा रहा, 1 मीटर भी ना पा रहा, कहाँ सरकार सरकार आवे, सही बात तो करें, हम बैठे हैं, हम तो सामने बैठे हैं, सरकार आवे कभी आवे कभी बात करे, कभी 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 कहते हैं कि कॉल की दूरी है, अरे वो अपना नंबर दे दे हमें, उस नंबर को दे दे जिस पे कॉल करेंगे, या हम कर लेंगे उस पे कॉल। भाई उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है हमारा देश का, ज़्यादा कमी आ रही है, ज़्यादा मतलब कम टैक्स है अभी देश के ऊपर, क्योंकि 100 रुपया पेट्रोल कर दिया, 90 रुपया डीजल कर दिया, 850 कर दिया। तो हमारा मतलब एक संदेश देना था आज के नाम पर, वो आपका पूरा हुआ, आपने बहुत बड़ी मेहनत की है, कम से कम 10-12 किलोमीटर का ये राउंड है जहाँ तुम घूम के आए, और सभी व्यापारी वर्ग ने आपका पूरा सम्मान किया आपकी मेहनत को देख के, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जागे रहते हैं, जो लोग सोते नहीं है, उनकी हमेशा जीत होती है, परमात्मा हमेशा उनकी मदद करता है, मते मर्द तो मर्दे खुदा, परमात्मा उनकी हमेशा मदद करता है। जो लोग हिम्मत और साहस से काम लेते हैं, जो आज आपने करके दिखा दिया, जो 4 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठ कर अपना साहस की परवासा दिखा रहा है इस सरकार को, ये आपकी जीत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें शक न करने लगे कि जीत में कहीं संदेह होगा, क्योंकि जहाँ परमात्मा साथ होता है वहाँ हमेशा जीत होती है, आपका साथ भी परमात्मा है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह का